बोलिए। अब हम अपना जैकेट पहन चुके हैं, ये हमारा गाँव है, हम इसी में जाएंगे, फिर चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एसआर। दोस्तों आज हम कहीं और जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वो जगह को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे जा रहे हैं जैसे आप लोग अभी थंबनेल देख के समझ गए हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, आपको बताएंगे वहाँ के बारे में, वहाँ पर कौन लोग जा सकते हैं, कौन लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ का एंट्री फीस क्या है, क्या नहीं है, टाइमिंग क्या है, कौन से दिन खुलता है, कौन से दिन बंद होता है, सारा दिन आपको बताएंगे और क्या क्या हम इन्जॉय करके वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और आज हम जा रहे हैं, मैं और हमेशा की तरह धनराज, जो आप लोगों को पूरी तरह से सारा कुछ इन्जॉय करते हुए बताएंगे दिखाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आगे, चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ हवा चेक करा देते हैं बाइक का, उसके बाद निकलेंगे अपने सफ़र की ओर। तो चलिए चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम डैम के पास पहुंच गए हैं। ये है डैम का पिछला भाग और हम आपको दिखाते हैं डैम का, ये देखिए ये रहा डैम। और दोस्तों बोला जाता है कि जब ये सारे दरवाजे खुल जाते हैं, जब वाटर ओवर मतलब वाटर फ्लो होने लगता है, तो कई सारे गांव यहां डूब जाते हैं, ऐसे बताते हैं यहाँ के लोग। और अभी तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, हम आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, ये 220 मीटर की है ऐसे लोग बताते हैं। और चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं नौका बिहार, जहाँ पे बोटिंग होती है और आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों वहाँ का नज़ारा कैसा है, क्या हम भी बोटिंग करेंगे या नहीं, वहाँ जा के पता चलेगा। और आप लोग यहाँ पर ये देखिए इसकी खूबसूरती दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और काफ़ी ऑसम है यहाँ का वेदर, मौसम काफ़ी, हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और ये हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, बस आधा किलोमीटर दूर है और डैम, और वहाँ पहुँचते हैं फिर देखते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं या नहीं, आएंगे तो आप लोग क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है सारा कुछ बताएँगे। तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहें, मिलते हैं हम आपको आगे। चलिए फाइनली हम पहुंच गए हैं नौका बिहार के चांडिल डैम नौका बिहार, जहाँ पे बोटिंग होती है। और यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह दी हुई है और पार्किंग का शुल्क है 20 रुपये। आप लोग 20 रुपये दे के अपना बाइक पार्किंग लगा के आराम से जा सकते हैं। हमने बाइक पार्क कर दी और अब हम जा रहे हैं नीचे जहाँ पर बोटिंग होती है डैम के पास, और आपको डैम की खूबसूरती का नज़ारा दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए डैम का खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ पहाड़ और पानी ही पानी का नज़ारा, काफ़ी मन को मोह लेने वाला यहाँ नज़ारा है दोस्तों, काफ़ी शांति भरा है। और अभी हम जिस समय आए हैं, और ये सीज़न नहीं, ये ऑफ सीज़न है, इसका सीज़न होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का। और अगर आप आएंगे तो उस टाइम आइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कितनी खूबसूरत है, और अभी हम लोगों ने थोड़ा डिसाइड किया है कि अभी हम यहाँ बोटिंग भी करेंगे और बोटिंग करके आपको दिखाएंगे कैसा है यहाँ का बोटिंग अनुभव, क्या बता फिर
दोबारा कब मौका मिले हमारे पीछे देख रहे हैं श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब, जो अभी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहे हैं, पता नहीं, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए इसे। तो चलिए अभी हम डिसाइड करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं भैया लोग से। हाँ भैया, कितना बोल रहे हैं? तो आप हो गए ना एक जन, तीन जन भेजती है। चलिए दोस्तों, फाइनली हमने हमारा बात हो गया है, जितने पैसे में बात हुआ है आप लोगों को नहीं बता सकते, बस आप लोग इंजॉय लीजिए। चलिए अब हम अपना बार्गेनिंग करना पड़ा, हम लोग थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ा, सभी ले रहे हैं बार्गेनिंग जरूरी है दोस्तों, हम इंडियन है, हमारा हक है बार्गेनिंग करना। अब हम हेलमेट यहीं रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत अनुभव, खूबसूरत एहसास, ये हमारा धनबाद धनराज भाई, और ये हमारा पीछे जैकेट, ये सब पहन के उतरेंगे, और ये हमारा नाव, हमारा दोस्तों चलिए अब हम अपना जैकेट पहन चुके हैं, ये हमारा नाव है, हम फिर जाएंगे, फिर चलते हैं। सूरज भाई आते हुए, हमारा नाव रेडी हो गया चलने के लिए। चलिए हमारी बोट स्टार्ट हो गई है और हम सफ़र का मज़ा लेने के लिए रेडी हो गए। ये देखिए दोस्तों, इसका खूबसूरती का नज़ारा काफ़ी औसम है, और ये देखिए एंजॉय दिस मोमेंट, और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का मौसम आज का, और हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा ड्राइवर भैया काफ़ी तेज़ी से चलाते हुए और हमें आनंद दिलाते हुए। चलिए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए, हमारी जर्नी कंप्लीट होती है। ड्राइवर भैया ने काफ़ी अच्छा ड्राइव किया, हमें सही सलामत पहुंचा दिया। जरिए यस, फाइनली हम ड्राइव कर चुके हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ऑसम एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि क्या पता इतना दूर फिर कब आएंगे कब नहीं आएंगे पता नहीं। दोस्तों फाइनली हम यहाँ से चांडिल डैम से निकल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ पर, एक नया एक्सपीरियंस, हमने इस बारे में सोचा भी नहीं था, अगर रास्ते में ही चांडिल डैम पड़ा तो हम लोगों ने सडनली डिसाइड किया कि चलते हैं, फिर क्या पता फिर कब आना होगा, इसीलिए काफ़ी इंजॉय किया हमने, बोटिंग की, और एक सब्सक्राइबर भी मिला था मेरा, जो मेरा वीडियो देखता था, काफ़ी मज़ा आता है ऐसा एक्सपीरियंस करके। चलिए दोस्तों अब हम वीडियो का अंत यहीं करते हैं, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, और मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, तब हम ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई जगहों के बारे में लाते रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर बोटिंग का रेट था, हमने जिस बोट में किया था वो 100 रुपीज़ का था एक राउंड, काफ़ी बड़ा राउंड था, काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पे एंट्री टिकट है, ऐसे अभी तो अभी एंट्री टिकट नहीं लगा हमें, बस पार्किंग का है 10 रुपये बस, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।